हाय गाइस, आज हम लोग 12th क्लास में बिजनेस लेटर का सारा कुछ देखने वाले हैं। पहले मैं फॉर्मेट बताऊंगी। फॉर्मेट में सबसे पहले एक तो सारा आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, कहीं पे भी गैप वगैरह नहीं है। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस मतलब लिखने वाले का पता, और उसमें कहीं कॉमा वगैरह नहीं लगेगा। फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस मतलब किसको हम लिख रहे हैं या कौन हमारे पत्र को प्राप्त करने वाला है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा कि वो हम क्यों लिख रहे हैं। फिर सैल्यूटेशन जैसे डियर सर वगैरह। फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि सारा कुछ इसी में होता है। फिर थैंकिंग एंड लीव टेकिंग और सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा सिग्नेचर वगैरह वो सारा। तो ये एक फॉर्मेट है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसको हम आगे लेटर फॉर्म करेंगे। यू आर रमेश चंद्र, लाइब्रेरियन, आदर्श पब्लिक स्कूल, नोएडा। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ शुभम पब्लिकेशंस, रामनगर, प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर द बुक्स यू विश टू ऑर्डर फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। ऑल्सो मैंशन मोड ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और चूंकि एक लाइब्रेरियन बन के आपको लेटर लिखना है तो और बुक्स ऑर्डर करनी है। मैंने एक छोटी सी लिस्ट शॉर्ट आउट करी जो हम इसमें काम लेने वाले हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा तरीके से लिखना है। मैं एक इसको टेबल फॉर्मेट में लूँगी। सीनियर क्या सीरियल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4, जितनी बुक्स लेनी है, नेम ऑफ द बुक्स, ऑथर या पब्लिशर, फिर नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको हम बुक वाले को बताएंगे, बुक कंपनी को, तो वो हमें ऑर्डर रिप्लाई डिलीवरी भेज पाएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट ली है। अब मैं हमारा लेटर शुरू कर रही हूँ। चूंकि लेटर एक स्कूल की तरफ से जा रहा है तो ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, इसलिए स्कूल के लेटर हेड पे जाएगा। सामान्य तौर पे क्या होता है, स्कूल के लेटर या किसी ऑफिस के लेटर हेड में क्या रहता है, सबसे ऊपर संस्था का नाम रहता है या स्कूल का नाम। हमने स्कूल का नाम क्या लिया है, आदर्श पब्लिक स्कूल नोएडा। तो हम यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लेंगे, आदर्श पब्लिक स्कूल नोएडा। तो ये हमारे स्कूल का नाम है। चूंकि संस्था की तरफ से जा रहा है तो इसका लेटर जो है वो आउटवर्ड भी होगा, उसमें प्रॉपर तरीके से तो आउटवर्ड नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, जो भी नंबर लगेगा वो, और डेट, ये एक सेम हर लेटर हेड में ये चीज इंक्लूड होती ही होती है। तो हम सीरियल नंबर यहाँ पे कुछ भी दे देंगे जो उसके स्कूल के रिकॉर्ड में एंट्री रहेगी, जैसे 195/2020 ये ईयर है। मान लो अब हम डेट लिख रहे हैं, कब हम इसको ऑर्डर कर रहे हैं, 14 जैन 2020। अगर इस दिन हमने इनको लेटर ऑर्डर दिया है तो ये डेट आ गई, ये लेटर नंबर आ गए, और अब हमारा मेन लेटर शुरू हो रहा है। जो हमने ऊपर का पार्ट लिया था सेंडर्स एड्रेस, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है। फिर आएगा डेट, आ ही चुका है, ये सेंडर्स एड्रेस रेफरेंस नंबर आ गया है। इसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन है, सेल्स मैनेजर शुभम पब्लिकेशन रामनगर। तो ये लिखा जाएगा सेल्स मैनेजर शुभम पब्लिशर पब्लिकेशंस पब्लिकेशंस रामनगर। ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस है। डेट आ ही चुकी। अब फॉर्मेट में क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रहेगा हमारा, हम क्या सब्जेक्ट का लेटर लिख रहे हैं, ऑर्डरिंग बुक्स फॉर लाइब्रेरी, बुक्स फॉर लाइब्रेरी। ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सैल्यूटेशंस, डियर सर, कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा फुल स्टॉप लगना अब आजकल बंद हो गया है। उसके बाद मेन बॉडी, तो इसमें हम उनको साफ साफ लिखेंगे कि वी आर
इन रिक्वायरमेंट, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन बुक्स, बुक्स वी रिसीव्ड, हमको उनका कोटेशन मिला है, रिसीव्ड योर कोटेशन एंड वी लाइक्ड योर टर्म्स एंड कंडीशंस, वी लाइक्ड योर, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका डिस्काउंट, योर डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि हमें वो अच्छा लगा कि वो अच्छे हमें डिस्काउंट दे रहे हैं. सो वी डिसाइडेड टू मेक अ डील विद यू, डील विद यू, अबव इज आवर ऑर्डर लिस्ट, अबव इज आवर ऑर्डर लिस्ट. अब इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट में ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑफिशियल लेटर इसलिए अच्छा लगेगा. तो ये मैंने टेबल ली थी, हम लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ द बुक्स, बुक्स, फिर ऑथर या पब्लिशर, जो भी आप लिखना चाहें, पब्लिशर्स नेम एंड कॉपीज रिक्वायर्ड, कि कितनी कॉपीज की ज़रूरत है. तो ये एक टेबल फॉर्म ले लेते हैं हम. नंबर वन में सीरियल नंबर है, दैट इज व्हाट मॉडर्न साइंस, मैंने मर्जी से लिया है, आप चाहें तो आप भी अपनी इच्छा से ले सकते हैं, किसकी, एच सी वर्मा, मैंने ऑथर का नाम दिया, कुछ भी दे दीजिए मर्जी से. नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड दिस. दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज रामानंद, कितनी कॉपीज चाहिए, 40. फिर तीसरी बुक है हमारी न्यू एटलस ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ये है ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस पुणे, हमें इनकी ही चाहिए, वो भी 40 कॉपीज में चाहिए. फिर लास्ट वाला जो है दैट इज इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये किसकी, एन के गुप्ता, एक राइटर है, मैंने फिक्टिशियस लिए हैं, इसकी भी 40 कॉपीज. तो ये एक लिस्ट मैंने बना ली है, अब इसको मैं टेबल फॉर्म दे देती हूँ, चूँकि मैंने सिर्फ लिखा ही था ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ पे क्या रहेगा. ये मैंने इसको एक टेबल का फॉर्म दे दिया है. आई एम अबाउट टू कंप्लीट दिस. सो दिस इज द ऑर्डर लिस्ट दैट वी वांट देम टू ऑर्डर सप्लाई अस. और अब इसके पीछे हम लिखेंगे कि बाकी कब हम इसका पेमेंट चाहते हैं, करना चाहते हैं या कैसे करेंगे. We expect you to supply us with the order. कितने दिनों के अंदर, वो भी mention कर देते हैं, with the order, within 15 days and We shall pay you. अब आप पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट भी मैंने लिखा था कि आपको मेंशन करना है. वी शैल पे यू बाय डिमांड ड्राफ्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ बुक्स, कि जब हमें बुक्स मिल जाएंगी हम आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे कर देंगे. प्लीज Make it fast. अब आ जाएगा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट. थैंकिंग यू. थैंकिंग यू. योर्स फेथफुली.
हमारा नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने क्वेश्चन में नाम लिया है रमेश चंद्र लाइब्रेरियन, तो यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन आ जाएगा रमेश चंद्र लाइब्रेरियन, और अब यहाँ पे उसका सिग्नेचर हो जाएगा, हम ऐसे ही कुछ भी सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये एक हमारा बिजनेस लेटर है, ये मैंने पहले इसका फॉर्मेट लिखाया आपको, ये सारा फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट को लेके हमने एक लेटर कंपोज किया है ये सारा। सो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 7 मार्क्स का रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ये CBSE और RBSE दोनों का ही कोर्स कंटेंट है। सो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर एंड डू द प्रैक्टिस। थैंक यू।